जान, तो ये उसी की सोच हो सकती है। ऐसी कई और वाकयात है, कभी मौका मिला तो बताएंगे। मैं वो इस इतना हल्का नहीं हूं कि ये जो बातें एज प्राइम मिनिस्टर से हम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गरक कर दिया। मैं वो चीजें, काफी चीजें मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं बता नहीं सकता इसलिए कि मैंने हलफ लिया हुआ है। लेकिन उस सारी ओथ का कभी वो लीक्स के बारे में बता देता है, कभी अजीब आदमी है, कभी इसको कोई मिस्टर एक्स तंग करता है, कभी वाई तंग करता है, नाम लेने की हिम्मत है नहीं। कल परसों भी इसने इस्लामाबाद वाला, इस्लामाबाद में तो यार बहुत है, इस्लामाबाद में तो पीपुल्स पार्टी के वफाकी वजरा हैं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब हिम्मत है नहीं, अकल है नहीं, अपनी पार्टी को डिपोता चला जा रहा है। ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। एक बात बता दूं आपको, अभी हर दिन एक इससे बुढ़ाई हो रहा है गरीब की तरह, लेकिन ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो। वो जो होते ना टीनेजर, फिर उर्दू में क्या कहते हैं, बचकाना हरकतें, मतलब ये होते ना जो हम थे जब अपने 15-20 साल की उम्र में, तो हर चीज कर देते हैं, सारी चीजें मैं क्रिकेट खेलूंगा, ओपनिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूंगा, विकेट कीपिंग भी करूंगा, 10.5 लोग हट जाओ, एक बंदा 11 के काम करेगा। तो ये हरकत इसने की है, ये आगे करता रहेगा। मैं आपको बता दूं, इसकी जो है डाउनफॉल, इसी जिस दिन इसने फैसला किया था ना, अच्छा मैं ये समझा जब ये फैसला किया, मैंने कहा वो कभी कभी जज्बात में आके आदमी कहते हैं मैं सारे हलकों से लड़ूंगा, इसको अकल आ जाएगी, इसलिए इसको इसका पता नहीं था। और मैं अभी तो प्रूव हो गया ना, मतलब पीटीआई को अपनी 6 सीटें हारने की मुबारकबाद हो, इसलिए सीट तो उनकी जीरो है, इतनी सी बात है, अगर सब समझ जाए।